सिद्धू को मार दिया, अब मुझे भी ख़त्म कर दो। मेरे बेटे सिद्धू की मौत के लिए भगवंत मान और केजरीवाल जिम्मेदार हैं। पंजाब में ऐसी निकम्मी सरकार आई है जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। इस निकम्मी सरकार ने मेरे बच्चे की सुरक्षा वापस ले ली, जबकि मान की बहन के पास 20 लोगों की सिक्योरिटी अभी भी है। चरणजीत कौर, सिद्धू की माँ। ऊपर कहीं लाइनें एक माँ के दिल को बयां कर रही है, जिसने 29 मई के दिन अपने लाल को खोने के बाद उसकी धधकती चिता को देखा। उसे यकीन नहीं था कि उसकी कलेजे का टुकड़ा इतना जल्दी और इस कदर सबसे दूर उस दुनिया में चला जाएगा जहाँ से वो कभी लौट नहीं पाएगा। आपको याद होगा एक माँ कैसे अपने पति के आंसू पोंछ रही थी जबकि उसकी बेटी की अर्थी उसके सामने थी। वहीं सिद्धू के पिता ने जब अपनी पगड़ी उतारी, उस पल को याद करने से ही आंखें भर आती हैं। मूसेवाले का इस कदर जाना सबको रुला गया, लेकिन एक माँ की कलेजे को तो मानो चीर ही दिया। जिसके बाद माँ ने अपनी दर्द को बयां किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्धू सिर्फ 28 साल के थे, जिसकी शादी के लिए परिवार समेत सभी लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाएगा ये तो सभी की कल्पना से परे था। बता दें कि मूसेवाला जल्द ही घोड़ी चढ़ने वाले थे, जिसके लिए घर में तैयारियां भी चल रही थी। ये शादी सिद्धू की मर्जी से हो रही थी, लेकिन खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था जो हमें ये दिन देखने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की गर्लफ्रेंड ये रिश्ते के बारे में कोई जानकारी पब्लिक में नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धू एक एसोसिएट को डेट कर रहे थे और उसी के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले थे। सिद्धू मूसेवाला की मौत की बात से ही मानो पंजाब सुलग रहा है। इसी बीच सिद्धू की माँ का बयान सामने आया, जिसमें वो अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर वो कह गई, जिसके मुताबिक इस मौत के लिए कहीं ना कहीं इन शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल मूसेवाले की माँ चरणजीत कौर ने इस मर्डर के लिए राज्य की आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में ऐसी निकम्मी सरकार आई है जिसने सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया, और तो और एक दिन पहले ही मेरे बच्चे की सिक्योरिटी कम कर दी गई, जिसका परिणाम हम सब ने देखा। मेरी बेटी की मौत के लिए भगवंत मान और केजरीवाल जिम्मेदार हैं। मूसेवाले की मौत के बाद से ही परिवार मानो गमगीन सा हो गया है, लेकिन माँ तो खैर माँ होती है जो अपने कलेजे के टुकड़े को याद कर खुद को कोसती है। यहाँ तक कि माँ ने कहा कि उनकी बहू लानी की विश भी अधूरी रह गई और बेटा भी चला गया। दुख की इस घड़ी में अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा और मैं चाहती हूँ कि बेटी की तरह मुझे भी गोली मार दे ताकि सब कुछ ख़त्म हो जाए।